हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री आगे परस्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। सो रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, तो रिलीजियस ट्रेडिशंस की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना बड़ा ही टफ है। डिबेट्स होते रहते हैं आज भी, कौन सही है कौन गलत है कौन, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 4 में ऑलरेडी देखा है कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर कैन ओनली बी अंडरस्टूड इफ यू हैव अ ग्रास्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट द आइडियाज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दोज हु प्रोड्यूस एंड यूज दीज इमेजेस एंड बिल्डिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने कोई जगह पे गए, लेट से आप अजंता केव्स में गए और आपको बुद्धिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही मतलब पहली बात बुद्धा कौन है ये भी नहीं पता आपको, सीधे गए तो आप पता नहीं क्या मजाक ही उड़ाओगे वहां पे जाके, क्या है क्या हो रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, कौन है, मतलब किसी ने टोपी पहन रखी है, ऐसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछोगे, राइट? जिसको कोई आइडिया नहीं है तो आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आइडियाज क्या है, बिलीव क्या है, प्रैक्टिस क्या है। एंड इवन बेसिक आइडिया भी अगर आपको है ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या है। आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट से एडवांस आइडिया होना चाहिए, तभी आपको अजंता केव्स हो गई, एलिफेंटा काले केव्स हो गई, ये सब समझ में आएंगी। और एग्जाम्पल ले लो, फतेहपुर सीकरी चले जाओ, ठीक है आपको पता है अकबर ने बनाया है, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, आपको समझ में ही नहीं आएगा। रेड फोर्ट चले जाओ, मतलब दिल्ली और आगरा वाला कहीं पे भी, इवन ताजमहल भी समझ में नहीं आने वाला, सही बताओ तो। इसलिए कहा जाता है कि कहीं पे भी अगर जाओ ना तो गाइड कर लो, पैसे ले लेगा कोई बात नहीं लेकिन गाइड जरूर कर लो कहीं पे भी चले जाए आप। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना मेंशन नहीं हो रखा होता कि ये चीज क्या है वो क्या है, डिटेल्स नहीं होती ज्यादा। तो जैसे आप चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में गए, वहां पे किलो में कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको क्या क्या चीजें हैं। तो बात ये यहाँ पे ये समझने की है कि आपको अगर कंटेक्स्ट होगा तभी आप समझ सकते हो कि वो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की वैल्यू क्या है। आपने जैसे जब एक बार समझ लिया कि यार ये चान्हु दारो जो है ये हरप्पन साइट है और यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी वो रिलेटेबल मिलेंगी विद हरप्पा और मोहनजोदारो, एंड ये 3000 साल से पुरानी चीजें हैं, अर्बन सिटीज थे, तो आप थोड़ी चीजें समझ पाओगे, वरना तो फिर हवाबाजी करोगे, है ना। वट अबाउट, लेकिन अब फिर पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या आता है, वट अबाउट टेक्सुअल ट्रेडिशन रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीव, वट अबाउट, लेकिन टेक्सुअल ट्रेडिशन रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीव इसका क्या करें? मतलब ठीक है हमने स्कल्पचर और आर्किटेक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन अब रिलीजन का क्या करें, जो रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करती है वो कैसे समझे? तो उस पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, ज्यादा नहीं डाला गया, ज्यादा डाल भी नहीं सकते, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। If you return to the sources in this chapter, you will notice that they include wide variety written in different languages and style. तो हमने जो sources यहाँ पे पढ़े हैं, आपने देखा होगा कितना कुछ पढ़ लिया हमने इस chapter में। मैंने तो, अब कुछ लोग बोलेंगे यार इतना लंबा खींच दिया chapter, खींचना ही पड़ेगा, important chapter है। सूफीज के बारे में पढ़ा हमने, लिंगायत के बारे में पढ़ा हमने, भक्ति कल्ट के बारे में पढ़ा, इन सब की भी लोकल लैंग्वेजेस यूज होती थी, यही नहीं इसके अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ा है, तो लोकल लैंग्वेजेस स्टाइल वगैरह यूज होते थे। दे रेंज फ्रॉम दी अपेरेंटली सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ दी वाचन्स वचन्स वाचन्स ऑफ बासवन, हमने देखा था कर्नाटक, राइट, लिंगायत, टू द ऑर्नेट पर्शियन ऑफ दी फरमान ऑफ दी मुगल एम्परर। मुगल एम्परर जो फरमान लिखते थे कि भैया ये चीज फॉलो करो, मुगल फरमान है ये, वो हमने देखे। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स अपार्ट फ्रॉम अ फैमिलियरिटी विद सेवरल लैंग्वेजेस। पहले तो आपको फैमिलियरिटी मतलब समझ आनी चाहिए उस लैंग्वेज के बारे में। द हिस्टोरियंस हैज टू बी अवेयर ऑफ द सबटल वेरिएशंस इन स्टाइल दैट कैरेक्टराइज्ड ईच जनरे। तो मतलब कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कोई बात समझाई गई है, काफी लोग किसी टेढ़े तरीके से बात समझाते हैं, जैसे पोयम फॉर्म में लिख रहे हैं, आपने देखा होगा सूफी सेंट्स हो गए, भक्ति के कर्ट्स हो गए, है ना, मीराबाई हो गए, सूफी फॉर्म में मतलब पोयम पोएटिक वे में लिख रहे हैं, वो हमें समझना होगा तभी हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमें टेक्सचुअल ट्रेडिशन हम मे बी गलत दिशा में चले जाए, मतलब वो क्या है कुछ और रहे हो, राइट, वो क्या है कुछ और रहे हो, वो मे बी कबीर जो है वो थोड़ा कबीर मे बी गॉड का क्रिटिसाइज कर रहे हो उनकी प्रैक्टिसेस जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ो कि यार ये तो लगता है कि कबीर ऐसा लगता है कि बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, ऐसा पढ़ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये भी मे भी समझ सकते हो। तो पॉइंट ये सब कहने की बात ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्स्ट पढ़ने हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइम पीरियड में लिखे हुए हैं, ये सब अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम वो टेक्स्ट समझ सकते हैं एंड तभी हमारी कुछ क्लैरिटी होगी। यही मतलब इसका पूरा पूरा तात्पर्य है जो पूरा लिखा है, ठीक है।
और ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक चैलेंज हो गया है, राइट? मतलब क्या चीज से क्या है, अब अयोध्या टेम्पल है ना, अयोध्या में क्या था, कब था, कितना कंट्रोवर्सी हुई, राइट? ऐसी और भी कंट्रोवर्सीज आजकल चल रही हैं, राइट? तो वो चीजें, तो कोई रिलीजन बोलते रहते हैं हम पहले आए वो वाले आए, ये सब डिबेट्स हैं, आप अगर समझ रहे हो ये पॉइंट, है ना? तो ये सब चीजें हो गई। अब जैसे आप जैन्स के बारे में देखोगे, बुद्धिज्म के बारे में कहोगे, मुस्लिम्स के बारे में कहोगे, हिंदूज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर सेइंग कि वो एंशंट टाइम से, स्टोन एज टाइम से उनका रिलीजन चलता आ रहा है, राइट? जो मे बी ट्रू ना हो, लेकिन आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेनी कोई भी बात। मतलब कोई कुछ कह रहा है तो सीधे फेस वैल्यू पे नहीं लेनी, आपको टेक्स्ट समझना है, टेक्स्ट में जो टाइम पीरियड है वो निकालना है, टाइम पीरियड आपको कार्बन डेटिंग से निकालना है, ठीक है? आर्कियोलॉजी को पढ़ना है उस टाइम की, आर्कियोलॉजी को टेक्स्ट से मैच करना है, राइट? किस रीजन में किस लोगों के लिए लिखा गया है वो हमें समझना है, उस राइटर का स्टाइल क्या है, राइटिंग का लैंग्वेज क्या है, वो किससे बात कहना चाह रहा है, क्या वो बात किंग से कहना चाह रहा है, क्या वो बात हमसे कहना चाह रहा है, क्या वो लिखने वाला बायस्ड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है, तब जाके हमें चीजें अंडरस्टैंड होती है, ठीक है? द हिस्टोरियन हैज टू बी अवेयर ऑफ द सबटल वेरिएशंस इन स्टाइल दैट कैरेक्टराइज्ड ईच जनरे, राइट? ओके, तो ये छोटा सा डिबेट हुआ जिस पे आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने में हिस्ट्री में। यहाँ पे देख लेते हैं, वेराइटीज ऑफ सोर्सेज यूज टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं, स्पेशली अगर यूपीएससी वगैरह के हैं तो एक एक करके आप लिख लेना है सेपरेट नोट। तो ट्रीटीसीज और मैनुअल्स डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, कशफुल मजहब है एक, ऑफ अली बिन उस्मान हुजवीरी, ये 1071 में इनकी डेथ हो गई थी, इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरे। तो मैनुअल्स एंड डीलिंग विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे दिया है। इट एनेबल हिस्टोरियंस टू सी हाउ ट्रेडिशंस आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस्ड सूफी थॉट इन इंडिया। तो सूफी, देखिए सूफी वर्ड कभी भी ये नहीं कहा जाता है ये इंडिया के सूफी है, सूफी एक कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में सूफी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बाहर के जो सूफी थे वो उन्होंने इम्पैक्ट करा इंडिया के सूफीज को, और कैसे करा ये हमें बुक से पता चलता है, कशफुल मजहब ऑफ अली बिन उस्मान हुजवीरी साहब की, और ये इस जनरे की है जो ट्रीसिस और मैनुअल्स है डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस की, मतलब सूफी कैसे बनते हैं, मतलब आप कह सकते हैं बेसिक बुक है सूफीज्म की। फिर एक ही इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसमें तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, मलफुजत, इसका मतलब है अटर्ड, कन्वर्जेंस ऑफ सूफी सेंट्स, एन अर्ली टेक्स्ट ऑन मलफुजत इज द फवायद उल फुहद, या कुछ ऑप्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है, फवायद अल फुहद, ठीक है? इसकी स्पेलिंग यार 10 बार लिख लेना जिससे एग्जाम में गलत ना करो। अ कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया कंपाइल्ड बाय अमीर खुसरो, सॉरी अमीर हसन सिजजी दहलवी, ये एक नोटेड पर्शियन पोएट थे, अमीर खुसरो नहीं है, अमीर हसन सिजजी दहलवी। सोर्सेज 9 कंटेन एन एक्सर्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट, मलफूजत वर कंपाइल्ड बाय डिफरेंट सूफी सिलसिलास, सिलसिलास आप समझते हो चेन, किसी सूफी की चेन, विद द परमिशन ऑफ द शेख, तो शेख परमिशन देते थे, वो लिखी जाती थी मलफुजत में, ठीक चीज है। दीज हैड ऑब्वियस डायडेक्टिक पर्पसेस, डायडेक्टिक का मतलब क्या होता है हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे डायडेक्टिक, मैं चाहूंगा आप ये देखें, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सेवरल एग्जाम्पल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द डेक्कन, दे वर कंपाइल्ड ओवर सेंचुरीज। तो ये जो मलफुजत जो टेक्स्ट हैं, जो अटर्ड हैं, ये कन्वर्जेशंस होती थी सूफीज की, वो लिखे गए हैं, और ये हमें उस टाइम पीरियड की सोसाइटी के बारे में बताता है। एक चीज याद रखो, आजकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना हिस्ट्री के लिए वो है सोसाइटी, ठीक है? हमने किंग्स के बारे में सब पढ़ लिया कि अकबर क्या सोचते थे, मोहम्मद बिन तुगलक क्या सोचते थे, अलाउद्दीन खिलजी क्या सोचते थे, उनके कोर्ट पोएट्स ने भी लिख दिया, और वो थोड़े बायस भी थे जो कोर्ट पोएट्स ने लिखा, जैसे अबुल फजल अकबर के लिए लिख रहे तो अकबर की तारीफ ही करेंगे। लेकिन ये मलफुजत जो टेक्स्ट है ये हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, साथ साथ हमें किंग किंग का एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि भाई इनमें ये भी कमी थी, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी मलफुजत टेक्स्ट की, ये इंपॉर्टेंस है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड मोस्टली ये अनबायस थे, मतलब किसी की तरफ टिल्टेड नहीं थे जो सूफीज थे, राइट? हमने ये देख ही लिया है, काफी थे टिल्टेड, काफी नहीं भी थे। जैसे काफी टिल्टेड कौन कौन से थे, जैसे सुआहारवादी हमने देखा था, लेकिन चिश्ती जो थे वो किसी राजा की तरह या किसी सुल्तान की तरफ टिल्टेड नहीं थे। तो यहाँ पे एक और आता है मकतूबत, इसका मतलब होता है लिटरली रिटर्न, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर रिटर्न बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसिपल्स एंड एसोसिएट, ठीक है? सूफी मास्टर खुद लिखते थे अपने डिसिपल्स के लिए। व्हाइल दीस टेल अस अबाउट द शेख एक्सपीरियंस ऑफ रिलीजियस ट्रूथ दैट ही वांटेड टू शेयर विद अदर्स, दे आल्सो रिफ्लेक्ट द लाइफ कंडीशंस ऑफ द रेसिपिएंट्स एंड और Also responses to their aspirations and difficulty, both spiritual and mundane. देखिए हमें ये सब चीजें बताता है, lifestyle of the recipients, मतलब जो disciples and associate हैं, जो hospice में बैठे हुए हैं, जो खानका में बैठे हुए हैं ना, उनके उनकी life condition के बारे में बताता है, उनकी thinking क्या है, right?
द लेटर्स नोन एज मकतूबते इमाम रब्बानी ऑफ द नोटेड 17th सेंचुरी नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी whose ideology is often contrasted with the liberal and non-sectarian views of Akbar are amongst those most frequently discussed by scholars. तो ये एक नक्शबंदी मैंने पहले बताया ग्रुप कौन थे ये वो थे सूफी सेंट्स जो मुगल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे राइट और इन जो सूफी सेंट की आइडियोलॉजी अकबर से मैच नहीं करती थी ये मतलब अकबर जैसे बहुत लिबरल थे तो ये ऐसे इतने नहीं थे तो ये काफी स्कॉलर्स इनके बारे में पढ़ते हैं. अगेन इन सब से हमें क्या पता चलता है ये आपको ये लिखना है मतलब क्वेश्चन क्या आ जाएगा इससे हमें क्या पता चलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मकतूबत फॉर हिस्ट्री ठीक है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री तो आपको इसका आंसर देना होंगे अनबायस्ड है राइट अदर पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है सोसाइटी की कंडीशंस पता चलती है फिर एक और टेक्स्ट आ जाता है तस्किरास लिटरली नो टू मेंशन एंड मेमोरलाइज biographical accounts of saints the 14th century siyarul awliya of mir khurud kirmani was the first sufi tazkira written in india it deal principally with chishti saints the most famous tazkira kiska hai akbarul akhyar of abdul haq muhaddis dehlavi the authors of tazkiras often sought to establish precedence of their own orders and glorify their spiritual genealogies. So, अपनी वगैरह ये तारीफ वगैरह काफी करते रहते रहे. Many details are often implausible, full of elements of fantastic. Still, they are of great value. कुछ कुछ जो चीजें हैं वो feasible नहीं है मतलब थोड़ी सी देखिए कोई भी टेस्ट अगर कोई लिख रहा है ना तो थोड़ी सी बातें फेक रहा है मतलब है ना हवाबाजी करते हैं अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मतलब मिस्टिक बातें है ना ये हो गया वो हो गया भूत से मिले जिन से मिले ऐसी भी बातें होती हैं लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि काफी सारी उसमें हिस्ट्री भी छुपी होती है उस टाइम पीरियड की अगर ऐसी बातें हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग थोड़े सुपरस्टिशियस थे स्टिल दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर हिस्टोरियंस एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड मोर फुल्ली द नेचर ऑफ द ट्रेडिशन तो मतलब ट्रेडिशन क्या था जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कुछ भी याद ना हो रहा हो तो इनके नाम याद कर लेना जिससे एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर सको ईजी एग्जाम्पल लिखा तस्किरास मलफुसत है ना तो ये सब आप लिख के आ गए इनके नाम जितने नाम लिख के आओगे उतना ज्यादा हाईलाइट कर देना इसको ऐसे अंडरलाइन करके Remember that each of the traditions we have been considering in this chapter generated a wide range of textual and oral modes of communication, some of which have been preserved, many of which have been modified in the process of transmission, and others are probably lost. हमेशा याद रखना होगा आपको जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री है जो बच गई बाकी तो गायब हो गई किसी ने जला दिया होगा अब इंटरनेट थोड़ी ना था इंटरनेट पे थोड़ी ना लिखते थे लोग अब ये एंड का टॉपिक आ गया ये अच्छी चीज है पढ़ना होता है यहाँ पे ध्यान देते हैं वर्चुअली ऑल दीज रिलीजियस ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू फ्लरिश टू डेट चलते हैं आज सिख देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है 2% पॉपुलेशन इंडिया की सिख है नियरली दिस कंटिन्यूटी हैज सर्टेन एडवांटेजेस फॉर हिस्टोरियंस दैट इज एज इट अलाउज देम टू कंपेयर कंटेंपरेरी प्रैक्टिसेस विद दोस डिस्क्राइब्ड इन टेक्सुअल ट्रेडिशन और शोन इन ओल्ड पेंटिंग्स एंड ट्रू ट्रेस चेंजेस तो आज इसे कंपेयर करके देख लेते हैं अच्छा जी आज ठीक है ये लोग ये फॉलो कर रहे हैं तो उस टाइम में भी ऐसा कुछ होता होगा एट द सेम टाइम बिकॉज दीज ट्रेडिशंस आर पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ पीपल्स लिव्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस देयर इज ऑफन अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट दीज मे हैव चेंज्ड ओवर टाइम फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बंदा आपको हिस्ट्री में दिखा किसी का नाम नहीं ले रहा उस बंदे को आज गॉड माना जाता है लेकिन हिस्ट्री में हमें समझना होगा कि वो एक इंसान ही था है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यूज थे उसको भी हम क्रिटिसाइज करना होगा उनके पॉइंट्स को भी एज हिस्टोरियन लेकिन जब आप उस पॉइंट को क्रिटिसाइज करोगे तो ये समझो कि जो लोग उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं ना वो उनकी एक सेंसिटिविटी एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ राइट ये आपको समझना होगा एज हिस्टोरियंस तो हमें रैशनली सोचना होगा हाँ यार वो बंदा ऐसा था ये ऐसा था सबको क्रिटिकली हमें एनालाइज करना होगा लेकिन हमें साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि जब हम वो बातें कर रहे हैं तो लोगों के आज के भी बिलीव है आज जो बिलीव बहुत ही स्ट्रांग है ना किसी किसी को भगवान माना जाता है उसको आज बंदे को ठीक है जैसे पद्मावती है ना पद्मावती मतलब आप देखो तो पद्मावती शायद एग्जिस्ट ही ना करती हूँ अगर आप देखो तो काफी हिस्टोरियंस तो ये बोलेंगे शायद थी नहीं कुछ और काफी लोग ये बोलेंगे थी यार लेकिन एक छोटी सी प्रिंसेस थी काफी लोग बोलेंगे उनका अलाउद्दीन खिलजी से कोई लेना देना ही नहीं था लेकिन आपको ये समझना होगा कि काफी जगह राजस्थान में उनको एज गॉडेस समझा जा रहा है आज है ना ये आपको सेंसिटिविटी आपको ध्यान रखनी होगी जब आप बातें कर रहे हो तो आपको जब लिखना होगा तो बहुत सेंसिटिवली लिखना होगा इसलिए एग्जाम में ठीक है ट्वेल्थ क्लास का एग्जाम है तो कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ आपको सेंसिटिवली लिखना होता है यूपीएससी वगैरह में ठीक है
वो सब आपको याद रखने होंगे चीजें. द चैलेंज फॉर हिस्टोरियंस इज टू अंडरटेक सच इन्वेस्टिगेशंस विद सेंसिटिविटी, जो मैं बात कह रहा हूँ इतनी देर से, व्हाइल एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइजिंग दैट रिलीजियस ट्रेडिशंस लाइक अदर ट्रेडिशंस आर डायनेमिक एंड चेंज ओवर टाइम. ठीक है, मतलब ये नहीं है जो आज का हिंदुइज्म चल रहा है ये 200 साल से आ रहा है, 2000 साल से आ रहा है, चेंज होते हुए आ रहा है. ठीक है, चेंज हुआ है, हमने देखा है रिलीजन कितना चेंज हुआ है. पहले तो वैदिक रिलीजन हुआ करता था, लिबरल इक्वल, उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ा सा लिबरल वगैरह कम हो गया था पोस्ट वैदिक पीरियड में. उसके कितने चेंजेस हुए हैं, मतलब बुद्धिज्म का इम्पैक्ट, जैनिज्म का, तांत्रिसिज्म का, गॉडेसेस आई, ये सब चेंज हुए. कृष्णा आपको दिखेंगे भगवान जो पहले हुआ ही नहीं करते थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वैदिक पीरियड में, वो कितने इंपॉर्टेंट बन गए आगे चल के. उसके बाद आपको दिखेगा कि ये भक्ति जो पीरियड आया है ये तो मेडिवल टाइम में आया है, सूफी का इम्पैक्ट है ना, ऐसे इस्लाम पे भी 100 इम्पैक्ट है, सिखिज्म पे कितना इम्पैक्ट है. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी जब हम पढ़ रहे हैं, और साथ साथ लोगों की सेंसिटिविटी भी रखनी होगी. लेकिन एज हिस्टोरियंस हमें इस बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलीजियस जो है, ट्रेडिशन जो है, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं. जैसे आजकल जो है इंटरनेट पे भी पूजा हो रही है, इंटरनेट पे भी नमाज हो रही है, चीजें चल रही है ना या नहीं चल रही, और साथ घर में आ जाता है, तो ये चीजें चेंज हो गई हैं, ये थोड़ी ना होती थी 20 साल पहले. तो वक्त के साथ साथ रिलीजन भी चेंज हो रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिस्कशन, ये चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम विजयनगर के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड टेक केयर.